हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी आरसी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज हम एक सिंपल सा ट्रैफिक सिग्नल लाइट बनाने जा रहे हैं, जहां पर हम ना तो कोई माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे और ना तो कोई डिजिटल आइस, जहां पर हम यूज़ करेंगे सिर्फ कुछ ट्रांजिस्टर और रजिस्टर के यूज़ करके आज हम एक ट्रैफिक कंट्रोल लाइट को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, कहाँ पर मैं कौन सा रेजिस्टेंस और किसको कहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपको पूरी डिटेल्स में बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एक BC547 जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है, और अभी ले रहा हूँ एक रेड कलर का LED और LED का जो पॉजिटिव पिन है वहाँ इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके कलेक्टर पिन पर। और अभी ले रहा हूँ एक 1 kΩ का रेजिस्टेंस और इसको LED का पॉजिटिव और कलेक्टर पिन में मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और अभी लूँगा एक 100 kΩ का रेजिस्टेंस जिसको मैं कनेक्ट कर दूँगा ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट पर। और अभी इन दोनों का जो टर्मिनल है उसको मैं आपस में जोड़ दूँगा और हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं ताकि अच्छे से यहाँ पर कनेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्किट को। तो उसी तरह मैं और एक ट्रांजिस्टर लूँगा, ये भी एक BC547 है और यहाँ पर मैं येलो LED का पॉजिटिव को कलेक्टर पिन पर कनेक्ट कर देता हूँ। और उसी तरह मैं एक 1 kΩ रेजिस्टेंस को यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके कलेक्टर पिन पर। और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ एक 33 kΩ का रेजिस्टेंस है और उसी तरह मैं इसको भी आपस में जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं और एक ट्रांजिस्टर लूँगा, ये भी BC547 का है और उसी तरह मैं यहाँ पर एक ग्रीन LED लूँगा और इसके पॉजिटिव को इसके कलेक्टर पिन पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी लेता हूँ एक 1 kΩ का रेजिस्टेंस, इसको भी इसके कलेक्टर पिन पर कनेक्ट कर देता हूँ। और अभी एक 100 kΩ का रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पर हाफ वाट का ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्वार्टर वाट का नहीं है, आपके पास क्वार्टर वाट है तो आप ले सकते हो। और अभी जो येलो कलर का सर्किट है इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। उसी तरह मैं ग्रीन रेड कलर का LED का सर्किट को भी यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ। तो आप देख सकते हो सर्किट कैसे बन चुका है। तो दोस्तों, अभी मैं एक पीस वायर ले रहा हूँ और वायर को LED का नेगेटिव और ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन पर मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये एक नेगेटिव वायर है जहाँ पर हम नेगेटिव सप्लाई देंगे। अभी लेता हूँ एक 100 μF का कैपेसिटर, यह 25 V का, और इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। और अभी लूँगा एक 220 μF का कैपेसिटर। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। और अभी और एक हम लेंगे कैपेसिटर जो कि वो भी है एक 220 μF का कैपेसिटर है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है और इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। और दोस्तों, अभी मैं एक पीस ऑयल ले रहा हूँ और इसको रेड वाला सर्किट का जो बेस पॉइंट है वहाँ से कनेक्ट करते हुए मैं इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पर कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ, तो दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम इसको पावर सप्लाई देंगे और इसको चेक करेंगे। तो इसको पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 12 V का DC पावर सप्लाई और यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ पॉजिटिव और ऊपर की ओर दे रहा हूँ इसको नेगेटिव। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो पावर सप्लाई दे चुका हूँ और पहले रेड आया, फिर आएगा येलो और फिर ग्रीन। चलिए मैं आपको लाइट ऑफ करके बताता हूँ। तो यहाँ पर पहले आ रहा है रेड, फिर उसके बाद येलो आ गया कुछ देर के बाद, फिर ग्रीन। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल वर्क करता है उसी तरह ये भी वर्क करेगा, लेकिन ये एक 1-way ट्रैफिक है। तो दोस्तों, अगर आप इस ट्रैफिक सिग्नल का जो टाइमिंग है उसका अगर चेंज करना चाहते हो, अगर आप टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको इसका जो कैपेसिटी का जो वैल्यू है उसको आपको बढ़ाना होगा। अगर आप टाइमिंग को कम करना चाहते हो तो जो कैपेसिटी हमने यूज़ किया है उसका जो वैल्यू है उसको कम करना होगा। ठीक है, अगर आप कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ाओगे तो इसका जो टाइमिंग है बढ़ जाएगा, अगर आप कैपेसिटर का वैल्यू कम करते हो तो इसका जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस प्रोजेक्ट में हमने बिना कोई माइक्रोकंट्रोलर बिना कोई आइस के यूज करके सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल लाइट बना लिया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ।